जय हिंद, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। हम जानेंगे कि पिछले दो दिनों में AMCA को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट सामने आई हैं, उनसे AMCA प्रोग्राम की रफ्तार कितनी बढ़ी है और AMCA को लेकर कुछ नई चीज़ें भी पता चली हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा आपको पता है कि AMCA को लेकर के पहले ही कह दिया गया है कि जो ये फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की थी, जहां पर इसके मेटल करिंग एक्सरसाइज को दिखाया गया था। यानी AMCA के प्रोटोटाइप का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है। AMCA को बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। वहीं DRDO ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि AMCA के लिए जो स्पेशल मटेरियल है वो बनके तैयार है और टेस्टिंग से गुजर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल AMCA के स्ट्रक्चर बनाने में किया जाएगा। आपको बता दें, DRDO ने AMCA के लिए जो विशेष मटेरियल है उनका डेवलपमेंट पूरा कर लिया है और जो स्टेल्थ कोटिंग है वो भी DRDO की तरफ से तैयार की जा रही है, जिसका आगे चल के जो इस्तेमाल है वो AMCA के निर्माण कार्य में किया जाएगा। पूर्व में इसके एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं डॉक्टर गिरीश देवसर, उन्होंने ये भी कह दिया था कि अब हमारा पूरा जो फोकस है वो AMCA के 5 प्रोटोटाइप को डेवलप करने में है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग टेस्टिंग में करेंगे। और इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं कि 2024 से 2025 के बीच में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि कब तक हम प्रोटोटाइप को तैयार कर लेते हैं। वहीं उनको इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि तकरीबन 4 साल की टेस्टिंग के बाद ये तकरीबन 2028 से 2029 के बीच में जो है अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि इसके पूर्व जो टाइमलाइन बताई जा रही थी वो 2030 की बताई जा रही थी, लेकिन ADA की तरफ से अब ये कन्फर्मेशन मिलने लगी है कि ADA अपने जो टेस्टिंग के तरीके हैं उनमें कुछ बदलाव करेगा और तकरीबन 4 साल की टेस्टिंग के बाद ये एयरक्राफ्ट अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसी विषय पर बात करते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन R माधवन सर ने कहा था कि हम AMCA का निर्माण SPV मॉडल के अंतर्गत करेंगे, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत करेंगे। इसमें जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट वर्क है वो तो HAL और ADA के द्वारा किया जाएगा, जबकि जो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन है इसमें जो कमर्शियल कंपनीज है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, यानी प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाला है। बात करके हम SPV मॉडल की, तो उसमें सिर्फ AMCA नहीं होगा बल्कि हमारा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो होगा वो भी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। AMCA का जो मुख्य किरदार भारतीय वायुसेना में होगा वो एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का होगा, जो एयर डोमिनेंस के साथ साथ ग्राउंड स्ट्राइक और एनिमी के एयर डिफेंस ऑपरेशन मिशन को आसानी से परफॉर्म कर सकेगा। वहीं इसका एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट भी DRDO के द्वारा, या हम ये कह लें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसका मुख्य मकसद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा। AMCA एक पूरी तरीके से स्टेल्थ फाइटर होगा जो कि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, और इसके लिए ऑलरेडी DRDO ने जो ज़रूरी टेक्नोलॉजी है वो विकसित करके रखी है। जैसे इसमें जो सेंसर्स हैं, जो रेडार्स हैं, जो एवियोनिक्स हैं वो हमारी स्वदेश निर्मित होंगी। इसमें हथियारों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की जाएगी कि इसमें इंटरनल वेपन बेस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि तकरीबन 15 किलो से लेकर के 1500 किलो का जो पेलोड है वो इंटरनल लेके उड़ सकेंगे, जबकि जो एक्सटर्नल पेलोड है वो तकरीबन 5500 किलोग्राम के बीच का हो सकता है। यानी कि तकरीबन ये जो एयरक्राफ्ट है बड़ी संख्या में पेलोड अपने मिशन के हिसाब से कैरी कर सकेगा। वहीं इसके इंटरनल फ्यूल की बात करें तो ये तकरीबन 6500 किलोग्राम तक के इंटरनल फ्यूल को कैरी कर सकेगा। ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 25 टन वजनी होने वाला है और इसकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। इंडियन एयरफोर्स ने अभी ये लक्षण दिखा दिए हैं, या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस बात की जानकारी मिलने लगी है कि शुरुआती दौर में जो AMCA के Mk1A वेरियंट आएंगे, या Mk1 वेरियंट आएंगे सॉरी, वो 40 की संख्या में भारतीय वायुसेना ऑर्डर करेगी, जबकि जो Mk2 वेरियंट होंगे वो 100 की संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑर्डर किए जाएंगे। और ये जो एयरक्राफ्ट है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में 200 से ज़्यादा की संख्या में भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विस देगा। AMCA के आने के बाद भारत भी उन देशों की सूची में चिन्हित हो जाएगा जो अभी स्टेल्थ फाइटर्स को उड़ा रहे हैं, जैसे कि चीन और अमेरिका, रशिया। इस समय अमेरिका के 2 स्टेल्थ फाइटर हैं, F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2, रशिया का SU-57 फेलन और चीन का जो J-20 माइटी ड्रैगन है वो अभी तक एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो ऑपरेशनल हैं, और AMCA के आने के बाद भारत इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अगर हम बात करें AMCA की, तो AMCA को टक्कर देने के लिए कुछ और भी देश हैं जो अपनी टाइमलाइन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट की निर्धारित कर चुके हैं, जिसमें साउथ कोरिया अपने KF-21 प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रहा है,
और बात करें अगर हम तुर्की की, तो तुर्की अपना TFX प्रोग्राम लेके आगे बढ़ रहा है। वहीं कुछ यूरोपियन नेशन टेम्पेस्ट और FCAS जैसे प्रोग्राम्स के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी टाइमलाइन लगभग AMCA के बराबर ही है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन 30 से 32 फाइटर स्क्वाड्रन है और जो अनुमानित सैंक्शन स्क्वाड्रन होनी चाहिए वो 42 की होनी चाहिए और भारतीय वायुसेना लगातार इसको लेकर के प्रयास में है कि कैसे करके अगले 10 से 15 वर्षों में इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। और इसीलिए न सिर्फ AMCA बल्कि भारतीय वायुसेना की जो नज़र है वो आने वाले दिनों में 112 से 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद पर भी है। और इसको लेकर के एयर मार्शल संदीप सिंह सर ने पहले कह दिया है कि इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर के विचार कर रही है और बहुत जल्द आपको इस विषय में एक अच्छी खबर मिल सकती है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो AMCA के साथ साथ AMCA के लिए ही चल रहा है और वो है स्वदेशी इंजन निर्माण का। जो AMCA के इनिशियल वेरिएंट आएंगे, जो 40 की संख्या में होंगे, वो Mk1 वेरिएंट कहलाएंगे और उनमें अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह कंफर्म कर दिया है कि जो बाद के वेरिएंट आएंगे उनमें स्वदेश निर्मित 125 किलो न्यूटन का जो इंजन है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको वीडियो बना के बताया हुआ है। तो ये कुछ अहम इन्फॉर्मेशन थी AMCA से लेकर के जो आपके बारे आपको जाननी ज़रूरी थी, और जैसे कोई फर्दर अपडेट आएगी उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।